जो माइलेज है वो 18.4 ही शो कर रहा है अभी तो, कि माइलेज जो है ना 18.2 पे आ गया है। लगभग 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं घर पहुंचने तक, देखते हैं कि कितना माइलेज जो है ये सिटी में देती है। अब 18.3 हो गया, तो सिटी में चलाने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड का जजमेंट आसानी से होता है, क्योंकि बोनट पूरा दिखता है। यानी कि अगर थर्ड गियर की जगह सेकंड गियर अगर कोई गाड़ी मांगती है तो ये थर्ड में आसानी से उड़ जाती है। मैं आपको जो है पूरा ड्राइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे, अगर आप बिगनर हैं या फिर आप इसको देख के गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज आपकी गाड़ी अच्छा निकालेगी। और ये जो माइलेज है ना दोस्तों एसी के साथ में है, ऐसा नहीं है कि बिना एसी के। देखिए एसी चल रहा है, आप देखते यहाँ पर जो है अभी जाम लग रहा है, तो देखते हैं कि उसके बाद कितना माइलेज निकलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अभी मैं अपनी ब्रेजा को सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, और सिटी में ड्राइव करने के दौरान जो इसका माइलेज आ रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ब्रेजा माइलेज कितना निकाल रही है, सिटी में कितना माइलेज निकाल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैफिक में जो है मैं अभी खड़ा हुआ हूँ रेड लाइट पे, अब मैं फिर से ड्राइव करने लगा हूँ, तो जो गाड़ी का माइलेज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो माइलेज आ रहा है अभी ये 18.4 शो कर रही है, तो सिटी के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी सही माइलेज है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है। अभी थोड़ा रोड खुला आ गया है तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक कम है, बट अभी मैं 15 किलोमीटर सिटी में इसको ड्राइव कर चुका हूँ और वापस 15 किलोमीटर जा रहा हूँ, अभी 7-8 किलोमीटर और रह गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए, उस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो माइलेज काफ़ी सही निकाल रही है गाड़ी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको ट्रैफिक में और चलाते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में कितना माइलेज ये निकाल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी रोड खुला आ गया, इससे पहले मैं ट्रैफिक में ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो देखते हैं कि कितना माइलेज निकाल रही है। तो अभी फिर से जो है ट्रैफिक मिल गया दोस्तों, और जो माइलेज है वो 18.4 ही शो कर रहा है अभी, तो थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा 10 किलोमीटर के करीब चल के दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी कितना माइलेज निकालती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माइलेज कितना है सिटी में, और इसकी जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है क्या वास्तव में कारगर है, या फिर जो है मारुति इसको ऐसा ही बोल रही है कि माइलेज निकालेगी गाड़ी। तो आप देख ही पा रहे हैं कि ट्रैफिक में ही चल रहा हूँ मैं अभी, और यहाँ पर जो माइलेज है अभी भी 18.4 शो कर रहा है। अभी आपको भी दिख रहा होगा कि माइलेज जो है ना 18.2 पे आ गया है, क्योंकि अब हम ट्रैफिक में ज़्यादा आ चुके हैं तो स्पीड जो है कम है, और जो गाड़ी है वो अभी थर्ड गियर में चल रही है। स्पीड करीब 30 की है और मैं फोर्थ गियर में इसको लगाकर चला रहा हूं, तो बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि स्पीड ज़्यादा होगी, आप देख पा रहे हैं स्पीड कम है, लेकिन ये गाड़ी अभी फोर्थ गियर में चल रही है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं, आराम से उठती है। जो माइलेज है वो देखिए फिर से देख लीजिए, 18.22 ही जो है अभी ये शो कर रहा है। लगभग 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 3 से 4 किलोमीटर और इसको चलाएंगे घर पहुंचने तक, देखते हैं कि कितना माइलेज जो है ये सिटी में देती है। अब 18.3 हो गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो सिटी में चलाने में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड का जजमेंट आसानी से होता है, क्योंकि बोनट पूरा दिखता है। दूसरा, इस गाड़ी में आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत कम पड़ती है, यानी कि अगर थर्ड गियर की जगह सेकंड गियर अगर कोई गाड़ी मांगती है तो ये थर्ड में आसानी से उड़ जाती है।
और गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी को एक्सेलेटर देने पर जो है वाइब्रेशन हो, लड़खड़ाए गाड़ी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। ये चीज़ सबसे अच्छी है, यानी कि और गाड़ी के मुकाबले एक गियर ज़्यादा में आप इसको चला सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों 18.4 हो गया माइलेज, तो मैं आपको जो है पूरा ड्राइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं जो है खुली रोड पे इसको चला के लेके आया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने बिल्कुल सिटी में ही ड्राइव किया है इसको, जितना भी ड्राइव किया है। तो सिटी के हिसाब से माइलेज काफ़ी बढ़िया है, मैं बिल्कुल एकदम संतुष्ट हूँ अभी तक। तो एक सर्विस हो चुकी है, अब यहाँ पर जो है हमको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी क्योंकि ट्रैफिक रहता है यहाँ थोड़ा, तो तीसरे गियर में मैंने गाड़ी को डाल दिया है। आराम आराम से हम चल रहे हैं, और इसका जो ये मीटर है ना दोस्तों, यहाँ पर जो माइलेज शो करता है, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है गाड़ी ड्राइव करते समय। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप इसको देख के गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज आपकी गाड़ी अच्छा निकालेगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी है। यहाँ पर जो है आपको एक ग्राफ मिलता है, एक मीटर मिलता है, जिससे जो है एक्चुअल माइलेज ये शो करता है, और आसान होता है आपको माइलेज निकालना। और ये जो माइलेज है ना दोस्तों एसी के साथ में है, ऐसा नहीं है कि बिना एसी के। देखिए एसी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा एसी जो है चल रहा है, बिल्कुल जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, और यहाँ जो है काफ़ी हेवी ट्रैफिक रहता है। देखते हैं कितना माइलेज निकालती गाड़ी। यहाँ पर जो है अभी जाम लग रहा है, तो देखते हैं कि उसके बाद कितना माइलेज निकलता है। धीरे धीरे आगे चलते हैं, अभी फर्स्ट गियर में ही गाड़ी बिल्कुल चलाना पड़ रही है मुझे। स्लोली स्लोली थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं कैमरा। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और इस कंडीशन में भी जो माइलेज है अभी 18 से नीचे नहीं गया है, और जो गाड़ी की स्पीड है वो देखिए 10 की हो गई है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ सेकेंड गियर में, और जो माइलेज है वो 18.1 शो कर रहा है। तो यहाँ पर है अचलेश्वर, तो ट्रैफिक जो है आप देख पा रहे होंगे गाड़ी सेकेंड थर्ड गियर में चल रही है। अभी थोड़ा रोड खुला आएगा तो फोर्थ गियर हम लगा लेंगे, लेकिन माइलेज देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी सही निकाल रही है गाड़ी। एम्बुलेंस आ रही है तो रास्ता दे देते हैं उसको, जा भाई जल्दी निकलो। एसी के साथ में देखा जाए तो 18 का माइलेज अगर ये सिटी में निकाल रही है, और जो मेरी स्पीड है वो देख लीजिए दोस्तों, करीब 30 से कम ही स्पीड है, 25 के करीब स्पीड है, और फोर्थ गियर में गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, तो आसानी से जो है ये फोर्थ गियर में उठ जाती है। अभी आने वाले समय में कुछ मैं ऐसे वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि ये गाड़ी जो है लो स्पीड में हाई गियर में भी आराम से उठती है या चलती है। अभी मैं फिफ्थ गियर लगा रहा हूँ दोस्तों, देखिए 30 की स्पीड में मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया है, एक्सेलेरेटर से पैर हटा दिया है, और अब देखते हैं कि गाड़ी कोई वाइब्रेशन करती है या नहीं,
तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, आराम से जो है इसने 30 की स्पीड मेंटेन कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अभी मैंने एक्सीलेटर नहीं दबाया है, अभी थोड़ी ढलान है इसलिए स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, बट 30 की स्पीड में जो है ये आराम से चलती है और 30 की स्पीड ही जो है मेंटेन करेगी। देखिए ढलान थी इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो गई है, बट यहाँ पर जो माइलेज है वो देखिए 18.1। तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों कि मैं जो है आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। आपको जो जो जानकारी दूंगा वो लाइव दे रहा हूँ मैं, और आप देखते आ रहे हैं शुरू से मैंने कितना ड्राइव किया इस गाड़ी को। अभी मैंने हाई एक्सेलेरेटर दिया, यानी बहुत तेज प्रेस किया क्योंकि पीछे जाम लग रहा था। तो अभी भी एवरेज जो है ना दोस्तों वो 18 का शो कर रही है, देखिए तो बहुत सही है। इस गाड़ी का जो माइलेज है ना, अगर आप इसको अच्छे से चलाते हैं, प्यार से चलाएंगे, तो माइलेज बहुत तगड़ा निकालने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा, इसको हाईवे पे जब मैंने चलाया तो 23.5 से ज़्यादा जो है ये माइलेज शो कर रही थी। अगर यहाँ पर 18 दिखा रही है ये, तो अगर इसका MID के हिसाब से ना देखा जाए, 1 किलोमीटर कम भी कर दिया जाए, तो 17 का माइलेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो ऑल्टो थी वो 17-18 का ही माइलेज निकालती थी सिटी में जब ड्राइव करता था। काफ़ी देर से कैमरा हाथ में पकड़े हुए हाथ धर देने लगा दोस्तों। 18.1 पे आ गया फिर से माइलेज, देखिए। तो हम जो है अभी भी ट्रैफिक में ही चल रहे हैं। मतलब तीसरे चौथे गियर में गाड़ी आप चला पाओगे इस तरह की रोड पर जो है मैंने गाड़ी चलाई है। कुछ जगह मैंने 5th गियर लगाया है, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो है 5th गियर में भी गाड़ी वाइब्रेट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो माइलेज आ रहा है दोस्तों वो 18 का देख लीजिए आप। अगर MID के हिसाब से अगर इसको कम भी कर दिया जाए तो 17 का माइलेज समझ लीजिए। सिटी में अगर 17 का माइलेज ये निकाल रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी जो 1200 cc इंजन की गाड़ियां हैं वो नहीं निकाल पाती इतना माइलेज जितना कि ये 1500 cc इंजन होने के बावजूद निकाल रही है। तो अब यहाँ से जो है दोस्तों करीब 2-2.5 किलोमीटर मेरा घर है, आगे एक और रेड लाइट मिलेगी, उसके बाद सीधे राइट हो जाएंगे हम। तो अभी तक जो है जो माइलेज निकल के आया है वो आपको मैंने दिखाया कि 18 से ऊपर ही माइलेज रहा है, 18 से नीचे नहीं गिरा है, 18 पर भी आया है, ऐसा नहीं है कि 18 पे नहीं आया है। बट इसमें जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगी हुई है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, और जैसे ही आप रेड लाइट पे खड़े होंगे तो इंजन ऑफ हो जाता है, बट कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। तो अभी मैंने न्यूट्रल किया है, देखते हैं बंद होता है या नहीं होता, तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों माइलेज के बारे में, आप देख पा रहे होंगे 18.1 का माइलेज जो है ये अभी भी शो कर रही है, और गाड़ी करीब हमने जो है 8-10 किलोमीटर चला के आपको लाइव दिखाया, बाकी अभी घर पहुँचते हुए करीब जो है 30 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। तो ये एक जानकारी थी ब्रेजा के माइलेज के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।